हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। सो मैंने यहाँ पे सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है। सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे टैब्स आएंगी, होम टैब, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन। सो हम आज काम करेंगे होम के अंदर, स्लाइड सेक्शन के अंदर एंड देन फॉन्ट के अंदर। हमारी क्लास में रहेगा स्लाइड्स एंड फॉन्ट्स। सो जैसे हम वर्ड में काम करते हैं, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और कहीं पर टाइप कर देते हैं, लेकिन आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, एक टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको रिमूव कर देता हूँ और इसको रिमूव कर देता हूँ या फिर मोर ओवर इस स्लाइड पे क्लिक करके प्रेस करता हूँ डिलीट, सो मेरे पास इस समय कोई भी स्लाइड नहीं है। ठीक है, जैसे मैं क्लिक करूँगा स्लाइड आ जाएगी। मैं यहाँ पे रिमूव करता हूँ, डिलीट हो गई। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रही है स्लाइड्स की। मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूँगा, ये स्लाइड की लेआउट्स आ रही हैं। अगर मैं लूंगा फर्स्ट स्लाइड तो क्या बता रहा है, टाइटल स्लाइड के मींस यहाँ पे सेक्शन दो है, वन एंड टू। सो यहाँ पे जो टाइटल होगा मेरा प्रेजेंटेशन का, मैं उसको एंटर कर सकता हूँ और बता सकता हूँ अपने व्यूअर्स को कि ये जो प्रेजेंटेशन है इसका टाइटल क्या रहने वाला है। सेकंड बात करता हूँ तो आता है टाइटल एंड कंटेंट। इसमें क्या है, टॉप पे आपका टाइटल आएगा, बीच में आपके कंटेंट आएंगे। अब कंटेंट पर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप देखिए यहाँ पे एक्सेल टेबल का कंटेंट आ रहा है, चार्ट आ रहा है, स्मार्ट आर्ट आ रहा है, 3D मॉडल आ रहा है, पिक्चर आ रहा है, ऑनलाइन पिक्चर आ रहा है, वीडियो आ रहा है एंड इंसर्ट एंड आइकन आ रहा है। सो मीन्स मल्टीपल हमारे पास 8 तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं और उन 8 तरह के ऑब्जेक्ट्स को मैं यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ। सो यहाँ देखिए टाइटल आ गया और यहाँ पे कंटेंट आ गया। मैं इसको यहाँ पे करता हूँ डिलीट, क्लिक किया एंड देन डिलीट। फिर मैं न्यू पे गया, अगर मैं लेता हूँ सेक्शन तो सेक्शन आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लूंगा टू कंटेंट तो देखिए ऊपर टाइटल है एंड यहाँ पे टू कॉलम्स है। अगर ऑप्शन ये लेता हूँ तो देखिए यहाँ पे टाइटल आ गया, यहाँ पे टू कंटेंट्स आ गए। जो से कंटेंट आपको ऐड करने हैं वो कंटेंट हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सो मैं इसको करता हूँ डिलीट। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मुझे कस्टमाइज करना है अपने अकॉर्डिंगली, तो मीन्स ये तो प्री डिफाइंड है कि टाइटल भी आ रहा है, टाइटल कंटेंट भी आ रहा है, टू कंटेंट्स भी आ रहे हैं, कंपेरिजन भी आ रहा है, टाइटल ऑनली भी आ रहा है और कंटेंट के साथ कैप्शन भी आ रही है, मीन्स नाम भी लिखा आ रहा है एंड पिक्चर के साथ नाम भी लिखा आ रहा है। अगर मैं करता हूँ ब्लैंक, सो इन लेआउट्स के जो कंटेंट है अगर मुझे ब्लैंक पर चाहिए तो वो भी आ सकते हैं। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर आपने ब्लैंक लिया तो नहीं आएगा, नहीं, आप इसी लेआउट को ब्लैंक के अंदर भी इंसर्ट कर सकते हैं और मैं आपको आज वही बताने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे पहले क्लिक करता हूँ ब्लैंक पे। जैसे ही आप ब्लैंक करेंगे देखिए यहाँ पे कोई भी प्लेस होल्डर नहीं है, और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके कोई भी कर्सर या कोई भी टेक्स्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कीबोर्ड से, सो प्रेस नहीं हो रहा जैसे वर्ड में होता था, एक्सेल में होता था। क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज क्योंकि इसमें अंदर प्लेस होल्डर नहीं है। सो स्लाइड के अंदर कुछ भी अगर आपको टाइप करना है, सो वी नीड टेक्स्ट बॉक्स, हमें टेक्स्ट बॉक्स चाहिए होगा। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ इंसर्ट पे। जब मैं इंसर्ट पे जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे ऐड करना पड़ेगा शेप्स के अंदर जाके टेक्स्ट बॉक्स इस तरह से, ठीक है, ये लेना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसमें जाऊंगा तो फिर मेरा मेन्यू चेंज हो जाएगा। सो मैं अभी दोबारा होम पे जाता हूँ और इसको क्लिक करता हूँ और डिलीट करता हूँ। तो सबसे पहले जो स्लाइड्स बनी हुई है हमारे पास, इसको हम लेआउट बोलते हैं प्री डिफाइंड, हम उसको पिक करते हैं। सो मैंने लिया यहाँ पे टाइटल स्लाइड, टाइटल पे क्लिक किया एंड यहाँ बोल रहा है क्लिक टू ऐड टाइटल। अब मैंने यहाँ पे टाइटल दिया माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सब टाइटल। इट्स अ पार्ट ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन, सो आई विल राइट ऑफिस ऑटोमेशन एंड बाहर क्लिक किया, बाहर क्लिक किया, दैट्स इट। सो इस स्लाइड पे लिखा आया माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एंड देन ऑफिस ऑटोमेशन। अब मैं चाहता हूँ कि इस स्लाइड पे इतना ही आए। अब मुझे चलना है नेक्स्ट स्लाइड पे। सो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा यहाँ पे इंसर्ट पे। अब मैं चेक करूँगा मुझे क्या चाहिए। अगर मेरे को कंटेंट चाहिए ये वाला तो मैं ये लूँगा, ये चाहिए तो ये लूँगा। सपोज मैं एग्जाम्पल ये लेता हूँ, तो मैंने क्लिक किया सब टाइटल, तो सब टाइटल में मैंने यहाँ पे लिखा टूल्स के टूल्स कौन कौन से हैं, टूल्स इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। सो मैंने यहाँ पे डाला नॉट टूल्स, मैं इनफैक्ट मैं डालता हूँ मेन्यूज। तो मेन्यूज कौन कौन से हैं, मेरा पहले आता है आपका फाइल मेन्यू एंड देन एंटर, फाइल के बाद आता है इंसर्ट मेन्यू, देन डिज़ाइन मेन्यू, देन ट्रांजिशंस मेन्यू, देन एनिमेशंस, देन स्लाइड शो, देन रिव्यू एंड देन व्यू।
सो ये कुछ लिखा है, लेकिन मेरे पास जो वो कंटेंट था वो कहाँ चला गया, वो ओवरलैप हो गया, वो नीचे आ गया। नॉट एन इश्यू, कोई दिक्कत नहीं है, न्यू चलते हैं। अब मैं लेता हूँ यहाँ पे ये वाला कंटेंट, टू कैप्शन। अब टू कैप्शन लिया तो मैं डिफरेंसेस लिया क्या कि ऑफिस एप्लीकेशन टूल्स। सो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा मैंने वर्ड एंड यहाँ पे लिखा मैंने एक्सेल। अब जैसे ही लिखा देखिए वो कंटेंट वहाँ से ख़त्म हो गया, मीन्स अगर हम यहाँ कुछ लिखेंगे सो वो जो टूल्स है ना ये वाले ये गायब हो जाएंगे। इस पर हटाता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, ये वापस आ गए। अब मैं यहाँ से टूल पिक करता हूँ, मैं टूल पिक करता हूँ टेबल, मेरे को टेबल चाहिए। सो क्लिक किया, कितने कॉलम्स चाहिए, मेरे को चाहिए तीन कॉलम। तीन कॉलम का मतलब क्या है कि सीरियल नंबर, नेम एंड फादर नेम। रोज चाहिए मेरे को फाइव, तो फाइव रोज ली एंड ओके। सो आप देखिए यहाँ पे टाइप किया मैंने सीरियल नंबर, देन नेम, देन एफ नेम। सीरियल नंबर टाइप किया 1, 2, 3 एंड 4। नेम दिया मैंने रवि, अशोक, मदन एंड मोहन। फादर नेम लिया मैंने अशोक, जतिंदर, रवि एंड रमन। सो ये मेरा टेबल इंसर्ट हो गया। फिर इसी तरह मैं अगर यहाँ पे लेता हूँ स्मार्ट आर्ट या कोई पिक्चर लेता हूँ, तो मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, जौन सी मुझे पिक्चर चाहिए वो पिक्चर मैं यहाँ से पिक कर लूँगा, लेकिन वो पिक्चर यहाँ पे होनी चाहिए तभी आएगी। तो मैं पिक्चर ले लेता हूँ ये वाली, फिर क्लिक किया, ये देखिए ये पिक्चर आ गई। सो मीन्स कि ये बने बनाए कंटेंट के लेआउट है, जिसपे हम क्लिक करेंगे वो कंटेंट आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर मैं लेता हूँ ब्लैंक स्लाइड तो क्या ये वहाँ पर आएगा? बिल्कुल आएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। मैं आपको बताऊँगा कि वो किस तरह से आएगा, फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि स्लाइड के ऊपर हम किस तरह से काम करते हैं। फिर मैं लेता हूँ यहाँ से पिक्चर विद कैप्शन, ये 4 स्लाइड आ गई। टाइटल दिया मैंने और यहाँ पे लिखा मैंने बॉलीवुड, टाइप किया एक्टर्स जितने भी चाहिए मेरे को एंड पिक्चर पे क्लिक करा। यहाँ पे कौन सी पिक्चर चाहिए आप उसको भी क्लिक कर लो, ये फोटो यहाँ पे आ जाए। सो देखिए कंटेंट आ गया। और अगर मैं लेता हूँ ब्लैंक स्लाइड, सो ब्लैंक पे यहाँ मैं कुछ भी टाइप नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझके पास कोई भी प्लेस होल्डर नहीं है। सो प्लेस होल्डर लेने के लिए आपको क्या करना होगा, इंसर्ट में जाके, शेप में जाके आपको लेना होगा, या फिर यहाँ से ले सकते हो टेक्स्ट बॉक्स। जब टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और टेक्स्ट बॉक्स को हम ड्रॉ करेंगे तभी वी कैन राइट, ठीक है। बिना प्लेस होल्डर के हम लोग उसके ऊपर नहीं काम कर सकते। सो ये जो हमारा है ये क्या है, स्लाइड्स के ऊपर काम करना मैंने आपको बताया। सो जो नेक्स्ट मेरी वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग न्यू स्लाइड लेके, एज ए ब्लैंक स्लाइड लेके हम कैसे काम करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं लेआउट की। सो अगर आपने इस स्लाइड की लेआउट को चेंज करना है तो आपने इसको क्लिक किया, अब न्यू पे नहीं जाएंगे बल्कि लेआउट पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। अभी बता रहा है कि स्लाइड जो है हमारी, जो एक ग्रे वाली आ रही है, देखो एक्टिव है, इसमें कन्वर्ट कर दे। सो क्लिक करता हूँ तो देखो उसको ये उसमें कन्वर्ट कर देगा, देखो एक इसमें कन्वर्ट कर दिया, इसको ये ब्लैंक में कन्वर्ट कर दे, तो देखो उसको इसने ब्लैंक में कन्वर्ट कर दिया। देखो ग्रे ऑप्शन कहाँ आ रही है, ब्लैंक में आ रही है, तो उसने वहाँ कन्वर्ट कर दिया। सो किसी भी लेआउट को किसी भी लेआउट के अंदर हम चेंज कर सकते हैं, उस हिसाब से जो हमारा इसका कंटेंट होगा वो अपीयर होगा। फिर हम बात करते हैं रीसेट, उसमें क्या कि अगर मैंने कोई साइज छोटा बड़ा किया है तो जैसा होगा वो वैसा ही आ जाएगा। और सेक्शन में अगर आपको ऐड करना है तो ये सेक्शन ऐसे आ गया और यहाँ पे मैंने दिया लाइक इंस्टीट्यूट एंड रीनेम। सो इसका ये नाम हो गया, इसको हम यूज़ कर सकते हैं लिंक करने के लिए जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा। तो ये जो सारी स्लाइड्स हैं ये हमारी किसके अंडर आ गई हैं, इस सेक्शन के अंदर आ गई हैं, डेट्स इट। सो सेक्शन को रिमूव करना है, रीनेम करना है कर सकते हो, रिमूव ऑल करेंगे। जैसे मैंने सेक्शन अभी एक बनाया, ठीक है, आपको अलग अलग करना है। जैसे मान लो आपको स्लाइड बनानी है DCA कोर्स के ऊपर, या बनानी है टेली कोर्स के ऊपर, या बनानी है वेब डिज़ाइनिंग कोर्स के ऊपर। सो वेब डिज़ाइनिंग में आपकी 10 स्लाइड्स आ रही हैं, टेली में आपकी 20 आ रही हैं, ऑफिस में आपकी 6 आ रही हैं। सो उसको आपने सेक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो जैसे ही आप यहाँ पे जाके सेक्शन को रिमूव ऑल करेंगे तो सभी स्लाइड्स ओपन हो जाएंगी, कोई भी किस सेक्शन में नहीं आएंगी। सो ये आपका स्लाइड्स का कंसेप्ट है। फिर हम बात करते हैं फॉन्ट की। सो ये जो टेक्स्ट है हमारा, इसको मुझे कस्टमाइज़ करना है, इसकी अपीयरेंस को चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट तो ऑलरेडी है ही है, जब क्लिक करूँगा यहाँ पे फॉन्ट बदलना है, साइज बढ़ना है, साइज़ बड़ा कर सकते हो,
फॉन्ट कौन सा आ रहा है, कैलिबरी आ रहा है, जौन सा फॉन्ट आप लेंगे उस फॉन्ट में ये आपका जो टेक्स्ट है लिखा हुआ आ जाएगा। ये वाला फॉन्ट लिया, साइज कम किया, इसके बाद यहाँ पे इंक्रीज साइज, ये बढ़ रहा है देखो, ये डिक्रीज साइज, ये साइज कम हो रहा है। सो ये साइज लिया मैंने, इसके बाद बोल्ड, ये आपका बोल्ड हो गया, ये इटैलिक हो गया, ये अंडरलाइन हो गया, इसको मैंने यहाँ पे ऑफ किया, जौन सा नहीं चाहिए उसको हम ऑफ कर सकते हैं। तो मैंने बोल्ड को ऑन किया, अकेला बोल्ड हुआ, स्ट्राइक थ्रू, ये क्या करेगा इसको काट देगा, क्योंकि सभी टूल्स आपकी एक्सेल और वर्ड वाले ही हैं, सो इट्स एन ईजी टास्क क्योंकि आपने पहले कर रखा है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो ये होता है करेक्टर की स्पेसिंग, अभी नॉर्मल है देखिए, वेरी टाइट, ये टाइट, नॉर्मल, लूज, वेरी लूज एंड मोर स्पेसिंग, इसके अंदर थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो आप पाएंगे कि इसके जो स्पेसिंग है ना आपकी, वो स्पेसिंग बढ़ गई है। देखिए, लूज, नॉर्मल, टाइट, वेरी टाइट आपके सामने है। सो मैंने यहाँ पे लिया नॉर्मल। नॉर्मल के बाद फिर आता है फॉन्ट कलर, कौन से फॉन्ट कलर में लिखा है टेक्स्ट, जौन सा फॉन्ट लेंगे उस कलर में लिखा आएगा। एंड ये आपका होता है हाईलाइट कलर, ये इसके कलर बैकग्राउंड में आएगा, सो नहीं चाहिए तो यहाँ पे कर दीजिए नो कलर। फिर फॉर्मेटिंग को आपने हटाना है तो आप क्लिक करो और यहाँ पे क्लिक कर दे क्लियर फॉर्मेटिंग, तो जैसे फॉर्मेटिंग हमारी थी पहले विदाउट फॉर्मेट टेक्स्ट था, विदाउट फॉर्मेटिंग वैसा ही कन्वर्ट हो जाएगा। सो मैंने यहाँ पे फॉर्मेटिंग लगा दी, बोल्ड कर दिया, साइज बड़ा कर दिया एंड 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 स्पेसिंग जो है मैंने थोड़ा सा लूज कर दिया, डेट्स इट। इसके अलावा यहाँ पे देखिए नीचे एक बटन आ रहा है फॉन्ट का, जैसे मैं क्लिक करूँगा सो इट विल ओपन एन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, ये डायलॉग बॉक्स आ गया हमारा। तो यहाँ पे देखिए स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट्स हैं, ओके किया, ये स्ट्राइक आ गई, दोबारा यहाँ पे क्लिक करता हूँ और डबल पे क्लिक करता हूँ, डबल स्ट्राइक थ्रू, ओके, तो देखिए दो बार लाइन आ जाएंगी। फिर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ नहीं चाहिए सुपरस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट बेसिकली क्या होता है कि अगर मैंने यहाँ से इसको ऑफ किया ना, मैंने यहाँ पे ये ऑफ किया, सुपरस्क्रिप्ट बेसिकली क्या है कि अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ मान लीजिए 10^2 और लिखना है मेरे को हाइड्रो, सिंबल हाइड्रोजन का H2O, सो यहाँ पे जो 2 है ये ऊपर आना चाहिए। सो हम क्या करेंगे 2 को सेलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से और दोबारा यहाँ पे फॉन्ट पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे किस पे, सुपरस्क्रिप्ट पे एंड ओके, तो ये देखिए 2 ऊपर चला जाएगा। फिर 2 नीचे लेके आना है, सेलेक्ट किया 2 को, दोबारा फॉन्ट पे गया और यहाँ पे मैंने किया सबस्क्रिप्ट एंड ओके, तो देखिए नीचे लिखा आ गया। इसी तरह कुछ और फॉन्ट है हमारे पास, वो क्या है कि अगर आपको स्मॉल कैप्स में करना है तो सभी स्मॉल लेटर्स में आ जाएंगे, अगर आप यहाँ से अपर लेटर में करते हो ऑल कैप्स में तो सभी कैपिटल लेटर्स के अंदर आ जाएंगे। तो ये कुछ सिंबल्स हैं हमारे पास। फिर फॉन्ट का स्टाइल देना है, फॉन्ट का कलर देना है, ठीक है, अंडरलाइन का स्टाइल देना है, लाइन कलर भी देना है आपको, तो वो भी कर सकते हो आप एंड ओके। सो उस फॉर्मेट के अंदर ये अप्लाई हो जाएगा। सो ये जो मैंने आज डिस्कस कवर किया है आपका इन सिंपल स्लाइड के अंदर, मैंने कवर किया है प्री डिफाइंड स्लाइड्स को हमने कैसे पिक करना है और उसके ऊपर कैसे काम करना है एंड फॉन्ट का हम यूज़ किस तरह से कर सकते हैं अपने स्लाइड के कंटेंट को, की अपीयरेंस को चेंज करने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।